नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रही। हिंदुस्तान की मशहूर आवाज, हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में राज करने वाली, सालों से सुर सम्रागी नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर की हम बात करें हैं। जिनकी मधुर आवाज की बात करें ये या फिर उनकी सुरीली जादूगरनी वाले सुर की। लता मंगेशकर जिनका जन्म साल 1929 में 28 सितंबर की तारीख को हुआ, मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर बॉलीवुड की एक ऐसी दिग्गज सिंगर कहलाती है जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। छोटी सी उम्र में ही गायकी की शुरुआत करने वाली लता वैसे तो शास्त्रीय गायक और बेहतरीन थिएटर कलाकार दीनानाथ मंगेशकर और उनकी पत्नी शुद्धमती की बड़ी बेटी थी। कहा जाता है अपनी सफलता का सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही लता ने अपने प्रतिभाशाली पिता दीनानाथ को खो दिया था। उनके पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, उन्हें दुआएं दी थी, उनके लिए कामनाएं की थी और उनके पिता दुनिया छोड़ने से पहले अपनी बेटी लता को ये कह बैठे थे कि वो बहुत आगे तक जाएंगी, अपनी जिंदगी में कामयाबी के पर हमेशा छूती रहेंगी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में अकेले रहेंगी। और कुछ ऐसा ही हुआ, लता मंगेशकर ताउम्र तनहे रह गई, अकेला तनहा जिंदगी गुजारती रही, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई अपने परिवार की। हृदयनाथ मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, ये सब लता मंगेशकर के भाई बहने हैं जिनके साथ लता पली बढ़ी और अपनी जिंदगी को आगे ले जाकर पिता के थिएटर करियर की वजह से जिस लता के साथ पूरा परिवार महाराष्ट्र में जाकर बसा, वहीं लता मंगेशकर ने अपनी पहचान बनाई। आजादी से पहले ही अपनी आवाज की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाली लता ने अपनी पहचान आजादी के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरह बनाई कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।